तो आज की हमारी कहानी है शरणागत की रक्षा, जिसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। रणथंभौर के राणा हम्मीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। हम्मीर ने दृष्टि ऊपर की तो देखा कि एक मुसलमान योद्धा उनके सामने था। सिर उसका झुका हुआ और गला व्यथा से बर्राया हुआ था। कौन हो तुम? अमीर ने पूछा। महाराज, मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण में आया हूँ। मेरा नाम माहिम शाह, काम सिपहागिरी, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम हूँ। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज हो गए और मेरे लिए फांसी का हुक्म दे दिया। वे घड़िया नज़दीक थी जब फांसी का फंदा दम घोट देता और मेरी लाश को चील और कुत्तों के लिए फेंक दिया जाता कि मैं जेल से फरार हो गया और अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में हाजिर हूँ। मेरी रक्षा कीजिए महाराज। अमीर ने गौर से माहिम शाह को देखा। माहिम बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए माहिम? अमीर ने गंभीरता से पूछा। और भी दीन होकर माहिम ने कहा, महाराज मैं सबके दरवाजे गया, सब ने मुझे सहानुभूति दी पर कोई शरण न दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा और उन्हें अनुत्साहित पाया। उनकी राय थी, महाराज माहिम शाह की तलवार आज आपकी शरण में है, पर कल तक वह हमारे खून की प्यासी थी। हम उसे अपनी छाया में लेकर दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता क्यों दें? यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता देने की बात नहीं है सरदारों, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब माहिम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग के सुख सांझ में कांटों की चुभन का अनुभव न होगा? हमीर ने आवेश में पूछा। सरदारों ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्य की भी एक सीमा है। कर्तव्य की सीमा? कड़क कर हमीर ने पूछा। कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। कर्तव्य के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय, या दुकानदारों की वृत्ति राजपूतों को शोभा नहीं देती। माहिम शरणार्थी है, शरणार्थी की रक्षा राजपूत का कर्तव्य है, यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इसके लिए दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। सामंत सरदार भी अब महाराज की भावधारा में बहकर व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए थे। उनके मुंह से निकला, धन्य है महाराज। हमीर ने कहा, माहिम शाह, रणथंभौर अब तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी तरफ तिरछी आंखों से देखे। कोई कष्ट हो तो हमें कहना, जाओ। कानों कान यह उड़ती खबर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो वह तमतमा उठा। अमीर की यह हिमाकत कि मेरे चोर को आसरा दे? क्या तुम नहीं जानते अमीर, जो तुमने माहिम को अपनी छत दी? खैर, मैं भूलों को माफ करना जानता हूँ। कोई बात नहीं, माहिम को अपनी देख रेख में मुझे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफी मांगो। अलाउद्दीन का यह संदेश अमीर के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया। उसने लिखा, माहिम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा है, अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागत की रक्षा करना हमारे संस्कार है। सपने में भी उम्मीद न रखिए कि माहिम को मैं आपके दरवाजे ले आऊंगा, आप जो मुनासिब समझे कीजिए। जवाब क्या था? एक पलीता था जिसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी और उसने कुछ दिन बाद ही अपनी फौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर लिया। लड़ाई झगड़े से क्या फायदा अमीर, ला माहिम को मुझे सौंप दे। खिलजी का यह आखिरी संदेश था, लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहिम की रक्षा करूंगा, अमीर का यह आखिरी उत्तर था। दूसरे दिन रणधुंधुबी बज उठी, ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंभौर का किला और चारों ओर फैली शाही फौजें, एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाली फौजें तो दूसरी तरफ अपनी आन पर मर मिटने वाले सिपाही, एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरफ भरपूर आन। लड़ाई क्या थी? यह बात की बाजी, और यह बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण, और इस एक प्राण के लिए हजारों प्राण सरसों के दानों की तरह हथेली पर। दोनों तरफ हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी चीज थी,
दिल्ली उसे पूरा कर देती, पर हमीर की शक्ति धारा की जो लहर बह जाती फिर न लौटती। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती और हर गिरता सिपाही 1000 को 999। व्यय के रास्ते खुले हुए थे, आय के बंद। कारून का खजाना और कुबेर का कोष भी यो कब तक टिक पाता। हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहिम शाह आकर खड़े हो गए। कहिए शाह साहब, क्या बात है, हमीर ने कहा। माहिम शाह को चुप देखकर हमीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, यह लड़कों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ? जो वचन दे चुका हूँ उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी का चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के दो किनारे हैं, इनकी फिक्र न कीजिए। लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान खत्म है। रणथंभौर के किले में एक सभा हुई कि अब क्या हो। माहिम शाह ने बहुत खुशामद की। वह बहुत गिड़गिड़ाया कि उसे बादशाह को सौंप कर सुलह कर ली जाए, पर उसके प्रस्ताव का समर्थक वहां कोई न था। सच्चाई यह है कि हमीर और उनके साथियों के सामने यह प्रश्न ही न था कि हम कैसे बचे। उनकी विचार दिशा तो केवल यह थी कि हम कैसे लड़े। भावुकता का ऐसा ज्वार विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं आया हो। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्माहुति, सर्वस्व समर्पण। जीत की कामना सिपाही को उत्साह देती है तो विजय की आशा उसे बल। कामना और आशा के झूले पर इधर से उधर झूलने वाले ये सिपाही न थे। इन्हें झूलना नहीं झूमना था, इन्हें बूझना नहीं जूझना था। अब वे निश्चिंत थे, जैसे उन्हें जो करना था कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह उनको जल्दी उठना था हमेशा के लिए सोने के लिए। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी। यह वे आपस में अब भी कहा करते हैं। किले का द्वार खोल दिया गया और रणथंभौर के योद्धा रण में कूद पड़े। रण था यह दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंभौर वालों के लिए तो आत्मदान का यज्ञ था। माहिम और हमीर साथ साथ आगे बढ़े और काल बनकर बरसे। दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंभौर की ये शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियां वीरता के इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती, और आज सदियों बाद भी इनसे अगरबत्तियों से जीवन के सौरभ की भीनी एवं प्रेरक सुगंध आ रही है। क्या आत्मा की अमरता का ऐसा विश्वास और मृत्यु का इतना मनोरम विवरण इतिहास के किसी और पृष्ठ में भी इतने प्रदीप्त रूप में मिलता है? तो ये थी कहानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की लिखित शरणागत की रक्षा। मिलते हैं और किसी हिंदी कहानी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हिंदी साहित्य टीवी के साथ। धन्यवाद।